सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और यार लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्वाड कोर, हेक्सा कोर और ऑक्टा कोर सीपीयूज के बारे में, और उसी से रिलेटेड यार ये वीडियो और होने वाला है जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड में क्या फर्क देखने को मिलता है। भाई हम काफी सारी चीजें सुनते हैं कि भाई मल्टी थ्रेड, हमें मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस चाहिए या फिर सिंगल थ्रेड, उसमें परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं है। तो भाई आखिर ये खिचड़ी है क्या सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड की? अब यार देखो तुम मेरे सब्सक्राइबर्स होते यार, मुझे पता है तुम लोग को काफी होशियार होगा और मैक्सिमम ऑडियंस अकाउंट ऑफ 70% ऑडियंस जानती है भाई सिंगल थ्रेडिंग मल्टी थ्रेडिंग कोर्स और थ्रेड्स के बारे में। बट यार ये वीडियो उनके लिए जो कि भाई बिल्कुल नए हैं इस डिपार्टमेंट में, यार जिन्हें आइडिया नहीं है कि सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड में परफॉर्मेंस में क्या फर्क आता है। तो यार देखो ये वीडियो देखने से पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि आई बटन में तुम्हें वीडियो दिख रहा होगा, तुम पिछला वाला वीडियो जाके देखो कोर्स का, फिर तुम जो है आओ और वापस ये वाला वीडियो चेकआउट करो। बस इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि यार मेरा नाम है चेतन नायमा और आप सब देख रहे हैं टेक्नाइट्यूब चैनल, जहाँ पर हम बात करते हैं पीसी रिलेटेड कॉन्टेंट्स इन गेमिंग की। अगर आपका भी इंटरेस्ट हो पीसी रिलेटेड कॉन्टेंट्स इन गेमिंग में तो मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस आफ्टर शॉर्ट इंट्रो वी विल बी राइट बैक। तो देखो बेसिकली सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस और मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस तुम्हारे कोर्स के बाद आती है, ठीक है। जैसा कि मैं तुम्हें वही एग्जांपल ले लेता हूँ इंटेल के सीपीयू का, लाइक हमारे पास यहाँ पे कोर i3 तुम्हारा कोर i3 9400 या फिर 10400F ले लो, ठीक है। अभी लेटेस्ट जो है तुम्हारा या फिर 12100F ले लो, ठीक है, जिसमें तुम्हारा क्वाड कोर्स आ रहे हैं, ठीक है। आई थिंक नए वाले i3 में तो तुम्हारा 4 कोर 8 थ्रेड आ रहे हैं, बट मैं पुराने वाले i3 की तरफ चलो जो कि 9th generation का आता था। एक्चुअली पुराने टाइम पे जो है तुम्हारा क्वाड कोर सीपीयू प्रॉपर क्वाड कोर नहीं हुआ करता था, ठीक है, जिसमें तुम्हें 4 कोर और 4 ही थ्रेड देखने को मिल जाते थे, क्योंकि वो सीपीयू जो है उसमें सिंगल थ्रेडिंग होती थी, मल्टी थ्रेडिंग नहीं होती थी, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब ये होता है कि तुम्हारा एक कोर पे 2 थ्रेड्स वर्क करना, ठीक है। मान लो कि यार मेरे पास जैसे कोई टास्क है, ठीक है, उसको सीपीयू कर रहे हैं, अब उस टास्क को जो है वो मल्टीपल चीजों में सीपीयू डिवाइड कर देगा, अगर उसके पास 2 थ्रेड्स होंगे तो, ठीक है, तो वो काम जो है वो और आसानी से हो जाएगा कंपेरेबल टू अदर सीपीयूज को वर्क देगा, ठीक है। जैसे कि मेरे को काम आया, मेरे को एमएस वर्ड का काम आया, तो मैं एमएस वर्ड का काम अपने थ्रेड्स को दे दूंगा, भाई हाँ जल्दी 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 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कोई दूसरा काम आया तो मेरे दूसरे कोर में दूसरा काम पकड़ के दूसरे थ्रेड्स को दे दिया। तो जो मल्टीटास्किंग होती है मल्टी थ्रेडिंग के अंदर, वो ज्यादा पावरफुल होती है इन कंपेरेबल टू सिंगल थ्रेडिंग प्रोसेसर। अब जैसे कि हम जानते हैं कि यार AMD ने, इंटेल ने जो है काफी सारे मल्टी थ्रेडिंग सीपीयूज निकाल दिए, लाइक काइंड ऑफ 8 कोर 16 थ्रेड्स, 6 कोर 12 थ्रेड्स, 4 कोर 8 थ्रेड्स, 16 कोर 32 थ्रेड्स, ठीक है। अब ये जो थ्रेड्स वाला जो सीन है भाई, थ्रेड्स जो होता है वो तुम्हारी हेल्प करता है मल्टीपल टास्क को रन करने में और फास्टली रन करने में, जल्दी रन करने में, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं तुम्हें ले लूँ, या फिर अगर तुम देख लो कि जैसे अगर तुम कोई रेंडरिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर रेंडरिंग में तुम्हारे पास एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं, तो एक्स्ट्रा थ्रेड्स क्या है, अगर तुम एक ही काम कर रहे हो तो तुम्हारे सारे सीपीयूज जो हैं 8 कोर्स तुम्हारी बूस्ट क्लॉक को हाई करके और सारे मल्टी थ्रेड्स एक साथ काम करेंगे 16, तो तुम्हारा जो रेंडरिंग का काम है वो फास्टर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तुम्हारे जैसे 6 कोर्स और 6 थ्रेड वाले सीपीयू आते थे, जिसमें तुम्हारा पर कोर के पास पर थ्रेड होता था, ठीक है, तो उसमें क्या है, एक कोर वो काम कर रहा है, वो एक काम अपने थ्रेड को देगा और वो काम धीरे 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 होगा। बट ये चीज जो है वो तुम्हारे इसमें चेंज हो जाती है तुम्हारे मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस के अंदर। अब भाई मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस जो होता है वो बेसिकली तुम्हारे ज़्यादा यूजफुल होता है मल्टी टास्किंग के अंदर, तुम्हारा ज़्यादा यूज होता है वीडियो एडिटिंग के अंदर, तुम्हारा ज़्यादा यूज होता है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। गेम्स जो होते हैं वो ज़्यादातर कोर्स को प्रेफर करते हैं, सिंगल कोर की जो मतलब परफॉर्मेंस है उन गेम्स को वो ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि यार भाई मुझे एक मतलब मुझे गेमिंग करनी है और उस लैपटॉप में मुझे 6 कोर 6 थ्रेड्स मिल रहे हैं, तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, तुम ले लो गेमिंग लैपटॉप है। बट इफ़ यू गाइस आर थिंकिंग नो आई वॉन्ट टू डू एडिटिंग और आई वॉन्ट डू लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, तो यार तुम्हें मैं कंसिडर करूँगा तुम एक मल्टी थ्रेड लैपटॉप के अंदर जाओ, जिसपे तुम्हारा जो है SMT यानी कि AMD के अंदर साइमल्टेनियसली मल्टी थ्रेडिंग आती है, और तुम्हारे इंटेल के अंदर भी कोई भी टर्म आती है जो मुझे अभी याद नहीं आ रही है, ठीक है, तो वो भी मल्टी थ्रेडिंग हाइपर थ्रेडिंग वगैरह जैसा कुछ बोलते हैं उनको, हाइपर थ्रेडिंग बोलते हैं इंटेल में आई थिंक, या फिर क्या पता उल्टा बोल रहा हूँ, तुम चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में और लिख दूंगा। तो यार ऐसी ऐसी जो है वो चीज़ मल्टी थ्रेडिंग के अंदर और सिंगल थ्रेड के अंदर होती है। तो यार होप सो गाइस तुम्हारे डाउट से भी क्लियर हो गए होंगे सिंगल थ्रेड को लेकर और मल्टी थ्रेड को लेकर। लाइक काइंड ऑफ मैं वीडियो को कंक्लूड करूँ तो यार देखो आसान शब्दों में तुम्हें बताऊँ, मल्टी थ्रेड जो है वो मल्टीपल टास्क काम बड़े आसानी से कर सकता है, और सिंगल थ्रेड जो है वो मल्टीपल टास्क को करने में टाइम लगाता है, ठीक है। तो यार अगर तुम कोई भी लैपटॉप या फिर पीसी बनाने जा रहे हो, तो या
आपने अपने जो सीपीयू के कोर्स और थ्रेड्स है वो जरूर चेक करना, और इन दो वीडियोस को देखने के बाद यार तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि भाई कोर्स और थ्रेड्स के बीच में क्या फर्क होता है और क्या फर्क नहीं होता है। अब देखो यार, तुम्हारा सीपीयू की फ्रीक्वेंसी का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कोर्स और थ्रेड्स के परफॉर्मेंस पे, तो वो एक डिबेटेबल टॉपिक है, उसके बारे में मैं कभी एक और वीडियो बनाऊंगा कि यार क्लॉक स्पीड्स मैटर करती हैं क्या सीपीयू की। कि भाई जैसे कि यार तुम लोग को आइडिया होगा कि पहले डुअल कोर के टाइम पे भी 3 GHz होता था और आज के टाइम पे भी 3 GHz आ रहा है, तो भाई क्या फ़र्क है आखिर दोनों में, अगर इतना इतना मतलब क्लॉक्स का क्या फ़र्क आ रहा है और फैब्रिकेशन वगैरह टेक्नोलॉजी का क्या फ़र्क आ रहा है, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। वेल सो गाइस, होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक करें, नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें। अगले ऐसे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।